हेलो एवरीवन, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज यहाँ पर मैं हल्द्वानी पे हूँ, उत्तराखंड के हल्द्वानी के MPBG कॉलेज के पीछे हूँ, पीछे वाले ग्राउंड में जहाँ पर नुमाइश लगती है और बहुत सारे इवेंट यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आज हो रहा है टेम्पो वालों का सत्यापन। जो भी टेम्पो वाले हैं, कौन से टेम्पो वालों का हो रहा है, जो निगम से 16 किलोमीटर की दूरी पर जो चल रहे हैं उनका यहाँ पर सत्यापन है। 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पे जो निगम, जहाँ पर निगम का ऑफिस है वहाँ से 16-17 किलोमीटर की जो दूरी पे जो चलते हैं, जिनका परमिट यहाँ का है, उनका यहाँ पर सत्यापन हो रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। किस तरीके से हो रहा है वो आज आपको मैं यहाँ पर से दिखाता हूँ। यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर सबका यहाँ पर सत्यापन होना है। टेम्पो के जो मालिक हैं, वो मालिक क्या यहाँ पर लाइन पे लगे हुए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको मैं रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर टेम्पो वालों का सत्यापन हो रहा है। कई टेम्पो वाले यहाँ पर मालिक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। पेपड़ा चौकी के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर इनका यहाँ पर सत्यापन हो रहा है। इनसे जरा बातें करते हैं किसी से। नमस्कार सर, कितने बजे आए आप? सर अभी 10 बजे आए हैं सर। अच्छा, आप कितने किलोमीटर के दायरे में चलाते हो? 16 किलोमीटर वैसे चला का परमिट है हमारा। 16 कहाँ से कहाँ? निगम से 16 नगर निगम तक। कहाँ से? जैसे कार नगर निगम के अंदर चलना है। अच्छा, जैसे कारदम से मंगलपड़ा मुखानी। अच्छा, इतनी नगर निगम आती है। नगर निगम का जो भी क्षेत्र आता है, नगर निगम का एरिया कितना गया है अभी नहीं बढ़ा, वो 32 किलोमीटर में जाएगा, इसमें नहीं है अभी परमिट। अच्छा, इसमें 16 है नगर निगम का। अच्छा, ये नगर निगम क्या क्या कागज लेके आए हैं आप यहाँ पर? सारे कागज है, परमिट, इंश्योरेंस, टोटल गाड़ी के A to Z कागज, आधार कार्ड और बच्चों के भी मांग रहे हैं। अच्छा, पूरा परिवार का, मतलब कितने लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सारा कुछ आपसे मांग रहे हैं। 2 ID मांग रहे होंगे। फोटो कितने लाए हो? दो फोटो लाए हो तो उसके बाद आपको चिट दिया जाएगा। और 11 तारीख तक आपको करना है? नहीं, 2 दिन, 7 और 8 यहाँ है, बाकी और जगह 11 तारीख तक ही है। तो सभी लोग आए हैं? नहीं, खाली 16 किलोमीटर वाले आए हैं। वही 16 के सभी आए हैं ना, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा प्रावधान है। क्या कहेंगे सर, ये कैसा हो रहा है? ठीक है। ठीक है नहीं, जोर से बोलो ठीक है। बोलो, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। जी जी, ये बाहरी लोगों को जो है, ये कुछ ये हम लोगों को यहाँ परेशान कर रहा है, बाहरी लोगों ने, ये रुकेगा जरा, चाहे वो टेम्पो चलाए या कुछ भी करे। जैसे बांग्लादेशी वहाँ पर ठेला लगा रहा था, आपने सुना होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जी जी, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो बाहर के लोग हैं उनका भी हो रहा है? उनका भी है, सभी का हो रहा है ना? होगा, बाद में पता लगेगा। और दूसरा बगैर परमिट के भी चल रहे हैं, जिसका फिटनेस नहीं है, वो भी नहीं है, परमिट भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, परमिट भी नहीं है। किसी का परमिट खत्म 10 साल पूरे हो चुके हैं और वो भी चल रहे हैं, उसमें हमको असर पड़ जा रहा है। अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, जाइए। तो इनका नंबर आ गया है, तो यहाँ पर सभी का यहाँ पर सत्यापन होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसका सत्यापन अगर नहीं होगा तो वो टेम्पो बिल्कुल भी नहीं चलाएगा। ये देखिए, यहाँ पर सत्यापन हो रहा है सभी ऑटो वालों का, जो 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो चल रहे हैं। यहाँ के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर चलेगा, और उसके बाद अगर 2 दिन के अंदर अगर कोई आप आएंगे तो आपका होगा, अगर आप नहीं आएंगे तो आपका नहीं होगा। तो गाइज, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ वर्दी कैसे रहेगी, मैं आपको बता। देखिए भाई, एकदम प्रॉपर वर्दी में आए हैं। ये देखिए, काले जूते हैं, जूते कैसे भी हों चलेगा, जरूरी नहीं कि काली है। और ये आप बस वाले हो? अभी इनका ड्रेस यही चलेगी, इस तरह का ड्रेस चलेगा, हम ड्रेस दिखा रहे हैं खाली। जूते कोई भी पहन सकते हो आप, खाकी पैंट, खाकी शर्ट, कोड भी होता है उसमें, और इसमें एक नेम प्लेट लगा रहेगा। नेम प्लेट अगर नहीं भी है तो गले में कार्ड बनने जा रहा है आज, आपका कार्ड लटका के चलना है आपको। कैसा रहेगा ये सर? अच्छा, आप भी बस वाले हो? बस वाला भी, ड्राइवर में कब तक का नियम रहेगा, इतना करते करते वो हर साल बीत गया। क्या चीज़, कौन सा नियम? अभी रेट लिस्ट करा था, नहीं निकला इसमें कुछ। अभी सर यहाँ पर अभी अभी सत्यापन हो रहा है कि जो मालिक है टेम्पो वाले के वो कौन है, गाड़ी के कागज हैं नहीं है, फिटनेस बराबर है नहीं है, तो ये तो सही हो रहा है ना सर? ये तो बढ़िया हो रहा है, फिर बढ़िया हो रहा है। बताइए, मतलब आप चाह रहे हैं कि ये सत्यापन ना हो? सत्यापन हम नहीं कराने वाले, सत्यापन जबरदस्ती का करा रहे हैं। सत्यापन नहीं, जबरदस्ती क्यों भाई, कोई भी टेम्पो बाहर का चला रहा है, कोई आता पता कुछ नहीं, सबका करेंगे ना, होगा तो सबका, ये नियम तो सबके लिए बराबर होगा ना? अच्छा, नाटक कहाँ है यार? सबसे बड़ी समस्या पैसेंजर और हमारे साथ रेट के बारे में होती है, रेट से ज्यादा बहस होती है। अच्छा, ये नाटक लग रहा है आपको? ऐसा थोड़ी होता है यार, नियम तो सबके लिए बराबर होगा ना सर?
सर आप एक बार बताइए, अगर वेरिफिकेशन होगा 500-700 रुपए साले कमाते नहीं है दिन भर में साले, कभी इनके चक्कर लाओ। नहीं नहीं ये तो हमेशा के लिए बनेगा ना, कोई नहीं बनता देख कराते हुए आगे। नहीं नहीं क्योंकि 15 साल हो गए। नहीं 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 अब जिस तरह से हल्द्वानी में क्राइम हो रहे हैं उस तरह से आपको नहीं पता कितने क्राइम हो रहे हैं। नहीं आगे को रोकना है ना उसको, तो आप ऑटो वाले को क्या परेशान है, आप कागज नहीं देंगे? नहीं 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 आप कागज नहीं रखोगे, कागज क्या उसमें पता, फिटनेस नहीं रखोगे, केसेस नंबर क्यों रखेंगे? पता चल जाता नंबर डालते ही। अच्छा हाँ नंबर डालते पता चल जाता। तो क्या ये सही कह रहे हैं बताइए आप, क्या सत्यापन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए, बढ़िया बात है। इसमें शोषण वाली परेशान वाली बात कहाँ है? थोड़ी परेशानी हो रही है, सत्यापन होगा बढ़िया चीज है, इसमें कितनी गाड़ी कहाँ चलती है, नियम चलेगा कोई गलत नहीं कर पाएगा। जैसे आप गाड़ी लेते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ भी तो RTO में आपको टाइम लगता है ना, सब कुछ परमिशन लेनी पड़ती है। अब स्कूल कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसके गले में आई कार्ड होता है, अब ये थोड़ी की उसकी कॉपी किताब खोल के देख लें। अब ये भाई साहब कह रहे कि चेजेस देखे, अब बच्चे का कॉपी किताब थोड़ी देखेंगे, आई कार्ड होगा, अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो फोन करेंगे, हाँ भाई ये बच्चा यहाँ का है। तो वही चीज ये भी तो हो रही है, इसमें क्या है क्राइम रुकेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं घुसेगा आपका, समझ रहे हो आप? जी नियम सबके लिए बराबर ही है ना, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। अच्छा तो इसमें ये होगा कि जो बाहर के रिक्शे हैं वो आपके एरिया में नहीं आएंगे, आपका जो एरिया होगा आप ही चलाओगे, हमें 16 वाले सब जगह कोई भी डगा मार नहीं आएगा बीच में, समझ रहे हो आप? उसका परमिट होगा तो आप कंप्लेन कर सकते हो, तो बढ़िया तो हो रहा है, डगा मार नहीं आएगा, जैसे आपका एरिया जो है आप ही चलोगे। हो रहा है ना सर, होगा होगा सर, क्या कहेंगे सर आप जिस हिसाब से? सत्या रिक्शे वाले पहले RTO साहब ने कहा था रिक्शे वाले को बिल्कुल बीच में नहीं चलना है, यहाँ रिक्शे की बात नहीं अभी ऑटो की बात हो रही है, रिक्शा का तो वो मामला अभी शंकर कोरंगा जी ने सुलझाया है, वो मामला चल रहा है, हो रहा है बढ़िया है, लेकिन लेकिन हमारे लिए सवारी ही नहीं मिल रही है, सवारी वो चौराहे से उठा के ले जा रहे हैं, बिल्कुल मोड़ पे बाजार में खड़े हो रहे हैं, बताओ हम कहाँ पे जाएं, मजबूरी में हम स्टैंड में खड़े रहे हैं तो हम चौराहे में जा रहे हैं तो हमारे चलान हो जा रहे हैं सर। अब तो कल तो शायद उनको कुछ हटा दिया था शहर में, हटाया उनको, उनने हड़ताल करी सर, उनके इतने इकट्ठे हो गए सारे, तो प्रशासन को भी उनने कहा त्योहार का टाइम आ रहा है भीड़ भाड़ होगी ये कुछ करेंगे, तो उनने कहा चलो आओ फिर। अब साहब हमको अगर 500 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें 300 रुपए की हम गाड़ी में तेल वेल डाल दे रहे, फिर जो किराए में चला रहा है वो क्या करेगा सोचो। अच्छा अच्छा तो आपकी मांग क्या है? मतलब ये मांगे बाजार से अगर स्टैंड मिल रहे हैं तो स्टैंड से ही सवारी भरे, मार्केट के ऊपर कोई नहीं आए, टक्का मारी ना करे, टक्का मारी कोई ना करे, ताकि सभी को काम बराबर मिले। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बाकी सत्यापन हो रहे हैं हम उसका समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है जी जी, क्योंकि जो बाहर के क्राइम हो रहे हैं वो रुकेंगे जी जी, जो बीच और अच्छा भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, परमिट जहाँ रहेगा वही चलेगा, भी अगर कोई घुस गया तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन नियम के कानून के अनुसार से होना चाहिए, ताकि खाली हमें आए दिन हमने भी चौकी के सत्यापन कराए थे, पुलिस वालों ने हमारे सत्यापन कराई चौकी हमारे रामपुर रोड में, उनने भी चलान कर दिया, अलग अलग जो भी एरिया वाइज थे सत्यापन हो चुके हैं, लेकिन अब और सत्यापन हो रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं प्रशासन है जो अच्छे के लिए हो रहे हैं, जो भी है धन्यवाद आदेश का पालन कर ही रहे। तो यहाँ पर मैंने तमाम लोगों से पूछा यहाँ पर कि किस तरह की उनकी समस्या है, उनकी समस्या ई रिक्शा के वो लेकर भी है क्योंकि डगमारी हो जाते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब सारे जो आपको ये शहर में जो टेम्पो चल रहे हैं सबकी जगह निर्धारित करी जाएगी, जो जिस एरिया का जिसका परमिट होगा जिस एरिया में जो चलेगा वो उसी एरिया में वो चलेगा, तो अब डगमारी नहीं होगी, और समस्या ई रिक्शा से वालों की है तो वो समस्या बाद में क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। मेरा नाम शिवाजी जोशी जी, कितने टेम्पो चलते सर? मैं मेरा लाइसेंस है 86 में मेरा लाइसेंस बन गया था जी जी, मैं ऑटो यूनियन 16 किलोमीटर का अध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में जी जी। मैं प्रशासन से ये पूछता हूँ, जब RTO हल्द्वानी में ने एक भी परमिट नैनीताल रोड के जारी नहीं किए तो ये भीड़ क्यों है इतनी, प्रशासन जवाब दे, बस इतना ही कहना। अब यहाँ पर जो वेरिफिकेशन हो रहा है, जो सत्यापन जो आपका हो रहा है वो अब परमिट का भी हो रहा है, तो किस दायरे में कितने चलेंगे ये तो फिक्स आप बांटे जाएंगे ना? अरे कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है, मेरी समझ में नहीं आता है, तो कब से चला, मैं इतनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, हमारा कोर्ट में भी चला, वहीं कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन ये अदर रूट के चलने वालों के जितने चल रहे प्रशासन की मौन स्वीकृत है इसमें, तभी ये चल रहे, नहीं तो गिने चुने 144 कुछ है अभी वर्तमान में ऑटो। अच्छा 16 किलोमीटर परमिट वाले 144 हैं। 144 अब नहीं चलेंगे ना सर, अब जिसका परमिट होगा वही चलेंगे, अब परमिट देगा कौन? अरे परमिट कोई नहीं है, वो छोड़ो आपके कहना है और ग्राउंड में ये अलग बात है जी जी, आप जो कह रहे हैं कौन चलेगा, ये ग्राउंड में चलना और वो यानी प्रैक्टिकल थ्योरी में धरती आसमान का अंतर है, मैं 86 से देख रहा हूँ, हमेशा कुछ न कुछ नए नए ये
आते रहते। अब जो ये सत्यापन हो रहा है इससे क्या असर देखने को मिलेगा, क्या आपकी समस्या? कुछ समय ये भी चल देने दो, उसके बाद फिर वैसे ये सब ये मेरे को वही लग रहा है कुछ नहीं होगा ये, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ। अब सत्यापन हो गया हो गया हो गया, अब कह रहे हैं कि रूट भी उनका लिखा जाएगा आगे। रूट का लिखा पहले नहीं लिख रखा था क्या? कितने साल पहले सबका रूट नंबर लिखा, सबका ड्रेस कोड है, लेकिन कहाँ? देख लो नैनीताल रोड में देखिए आप, वहाँ जाइए ग्राउंड में, कहाँ पता चलेगा। तो अभी आपका क्या क्या लिया यहाँ पर सत्यापन के लिए? सत्यापन के लिए भाई ये उनसे पूछ लीजिए यार। नहीं, आपका क्या क्या? हमारा लिया आधार कार्ड और घरवाली का नाम, बच्चों का नाम, आपकी पूरी फैमिली का नाम लिया। हाँ, पूरी आईडी प्रूफ कितने लिए आपसे? आईडी प्रूफ तो एक ही देखा उन्होंने, आधार कार्ड। अब कितने दिन के बाद आपका वो कार्ड बनेगा या फिर ये पता नहीं मुझे, ये तो प्रशासन जाने। अच्छा, पूछा नहीं आपने? ना ना, वो बोले थे मैसेज आ गया है, मैसेज फोन में आएगा, फोन में आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो आपको ये लेने के लिए आरटीओ जाना पड़ेगा या फिर? यार ये पता नहीं, ये तो यही बताएंगे क्या। स्टिकर बाद में बांटेंगे आपको, ये स्टिकर ये ले तो आए हैं, अभी पता नहीं कब बांटते हैं। अच्छा अच्छा, पहले पूरा सत्यापन कर देंगे। तो इतना इससे आप खुश नहीं है? मैं तो हम तो सोचते हैं हर बार खुश रहते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन होता नहीं है। हर बार जितनी बार ये नए नए कानून लागू करते हैं, ये ड्रेस कोड लागू करते हैं, ये क्या नाम कहने रूट लागू करते हैं, हर बार प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर वही हो जाता है। मांग क्या है आपकी? आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते हैं, जैसा हो रहा होने दो। क्यों आप विकास नहीं चाहते? विकास का क्या मतलब, ये विकास चाह रहे हैं? हम जब से चाहते थे इन्होंने सुना ही नहीं। ये प्रशासन ये अव्यवस्था फैलाना, ट्रैफिक का जो मौन समर्थन है, ये ट्रैफिक मौन समर्थन दे रही है। अभी चेक करना चाहे ट्रैफिक, अगर प्रशासन चाहे तो एक मिनट में कंट्रोल हो जाए सब ये। कल जिस तरीके से ई रिक्शा वालों को जाने नहीं दिया मेन रोड पे, उन्होंने हटा के, उसमें क्या कहेंगे? मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा, ये चलो ठीक है। तो इस तरीके से रहना है, आप देखिए। नहीं नहीं ठीक है, बस इसमें वाहन संख्या और आरटीओ निर्धारित मार्ग संख्या दर्शाई जाएगी ना, नाम उगरा का अलग से है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से चिपक रहा है, इस तरीके से कार्ड बना हुआ है, नाम के मालिक है, काम के मालिक है। देखिए इस तरीके से कार्ड है इनका, ये देखिए नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है परिवहन विभाग के, ये भी चिपकाना बहुत जरूरी है। तो ये चिपक रहा है, अभी सारे आपको टेम्पो में पूरे शहर में ये चिपके मिलेंगे। देखिए शहर में जितने भी टेम्पू चलेंगे वो सभी टेम्पू में इस तरीके का चिपकाना आपको बहुत अनिवार्य है। सत्यापन यहाँ पर किसी किसी का हो गया है और होना बाकी है यहाँ पर, तो सब लोग सत्यापन करेंगे अब इस तरीके। जो जो चीज देख पीछे सेंटर में, बाहर साइड नहीं लगेगा, ये बाहर साइड भी लगेगा, दो है ना साइड, अंदर बाहर है, दोनों है वैसे। अलाउड अंदर भी बाहर भी है, बोला अंदर लगा। अंदर सुरक्षित है, अंदर ये पीठ वाली सीट के ऊपर, यहाँ पीठ वाली पे। हाँ वो क्योंकि पैसेंजर तो वहीं से देखेगा ना, जैसे ना मैम यहाँ पर वैसे भी बताओ ना, ये शीशे में अभी पता चलेगा कि पूछा है, अभी 15 किलोमीटर वाले इनका कल परसों शीशे में भी लगा सकते हैं ना, यहाँ लगा दीजिए ऊपर ये ऐसे करके आप ठीक रहेगा। हाँ इंग्लिश ठीक रहेगा ना, सुरक्षित भी रहना चाहिए ना, बस हवाड़ी अंदर ही से तो बैठे रहेगी तो तुरंत से देखेगी ना उसको। जी 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 जी। अब भाई कोई गलत काम हो रहा है वो नंबर देखने के लिए बाहर खोल रहा है। सही ये सही कहा आपने, किसी उन्होंने सर बाहर लगाया, इसको यहीं पे अंदर से लगाना। इससे परेशान मत, ये वाली गाड़ी जो हमने लिए बजाज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी इनका कुछ नहीं हो रहा है, अभी इनका तो कोई परमिट ही नहीं है ना, जब परमिट एचओ साहब ने रखा कर दिया, कोई परमिट नहीं तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ना ड्राइवर के लिए अच्छा फीता तो दे रखा है उन्होंने, लगा के देखो जरा। कोई नहीं, ये देखिए बहुत बहुत बधाई हो, आपका सबसे पहला कार्ड बन गया है। देखिए हल्द्वानी पुलिस ने, ये देखिए ये आपका टेम्पो है सर, मालिक आप हैं, आपने ड्राइवर रखा है, कितने टेम्पो चलते हैं सर? अच्छा तो इस तरीके से रहेगा, सारे यहाँ पर जो लाइसेंस जारी अधिकारी हैं उनके साइन रहेंगे, ये आरटीओ साहब के, ये ड्राइवर साहब है, इस तरह से जो गले में इस तरह से नहीं लटकाएगा उसके टेम्पो में नहीं बैठना है आपको हल्द्वानी वालों, देख लीजिए। और जिनका ये परमिट नहीं लगा हुआ है ये देखो, इस तरीके से अगर नहीं लगा है तो आपने बिल्कुल कंप्लेंट करनी है इनकी, देखो ये। और आप जैसे अभी कोई दिक्कत है तो यहाँ पर ये देखिए हेल्पलाइन नंबर है, जैसे आप पीछे पीछे बैठेंगे तो आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप बिल्कुल हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। क्या कहेंगे मैडम, कैसा हो रहा है? बढ़िया
अच्छा हो रहा है ना आपके लिए, बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि क्राइम रुकेंगे, बच्चे हैं, माँ बहन है, सारी सुरक्षित है। छेड़खानी से लेके जो बदतमीजी नहीं होगी, बदतमीजी एकदम से वो हो जाएगा, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरीके से हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है आने वाले समय में। और ड्रेस भी रहेगी, अभी फिलहाल तो ये व्हाइट ड्रेस में है। अब जूता और खाकी वर्दी मैंने पहले दिखाई दिया है, इस तरह से कार्ड रहेगा सभी टेम्पो वालों के पास पूरे हल्द्वानी शहर में। जिसके पास इस तरह से कार्ड नहीं रहेगा वो टेम्पो नहीं चलाएगा। और जिसका टेम्पो में अगर इस तरीके से आप, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये परमिट सड़क सुरक्षा लिखा हुआ है, वाहन संख्या लिखा हुआ है और इसका जो क्रमांक दिया हुआ है, देखो एक नंबर दो नंबर इस तरीके से दिया हुआ है। तो ऐसा आपको चिपकाना है, जिसका नहीं चिपका रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये देखिए सड़क सुरक्षा, इसमें भी लिखा हुआ है वाहन संख्या, सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, सुरक्षित चले सुरक्षित पहुँचें। तो इस तरीके से सारे टेम्पो में लगा रहेगा। ये एक सैंपल था, आने वाले समय में आपको मैं यह जानकारी दे रहा हूँ कि जिसके टेम्पो में इस तरीके का लगा होगा और जिसने आई कार्ड पहना होगा उसी के टेम्पो में बैठे। अगर किसी ने नहीं करा है तो आप समझ जाओ को डगामार है और विदाउट वेरिफिकेशन है। तो इसका ध्यान आप सवारियों को देना है, आने वाले समय में सब यही होना है। ये देखिए सब में चिपक रहे हैं, एक एक करके यहाँ पर सबका वेरिफिकेशन हो रहा है और सबके आईडी कार्ड वितरित करे जा रहे हैं। तो गाइस अभी वीडियो समाप्त करते हैं, यहाँ पर हो रहा है सत्यापन। आपको मैंने दिखाया किस तरह से कार्ड रहेगा, कैसा टेम्पो में रहेगा, सारा कुछ आपको बता दिया है, आपको जागरूक कर दिया है। अब आने वाले समय में क्राइम रुकेंगे और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि सबका परमिट संख्या लिखा रहेगा, ऑटो में नंबर लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, आईडी कार्ड सब कुछ लिखा रहेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हेल्पलाइन नंबर भी है अंदर, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत पुलिस को कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आने वाले समय में क्या इसका कितना पालन होता है वो भी हम आपको बताएंगे। पालन होगा, अगर जो नहीं करेगा उसका टेम्पो सीज और चलानी कार्रवाई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसे लेके जरूर बताना, शेयर करना ताकि सब लोगों को पता चले। तब तक ले, बाय बाय।